नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सनातन धर्म में असमानता की कोई गुंजाइश नहीं होने का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि प्राचीन आस्था देश को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जब अयोध्या में आगामी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दरअसल पुणे में मौजूद फडणवीस बुधवार को भारतीय जनता पार्टी नेता जगदीश मलिक द्वारा शहर में आयोजित आध्यात्मिक गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सत्संग में पहुंचे। बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम बाबा या महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए शास्त्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पूरा देश सजग हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जागेगा तो दुनिया जागेगी। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसके गवाह बनने जा रहे हैं। 22 जनवरी को एक नया इतिहास रचा जाएगा, जब भगवान राम के मंदिर अयोध्या में उनका निर्माण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के बारे में दुष्प्रचार करते हैं और गलत तरीके से इसे जातिवाद से जोड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें सनातन का मतलब नहीं पता, सनातन का अर्थ शाश्वत है और यही भारत का विचार है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है। असमानता की कोई गुंजाइश नहीं है। बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद देवेंद्र फडणवीस सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर के लिए रवाना हुए, जहां उनका गुरुवार को कार्तिकी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विट्ठल मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है।